खरगोन के पुराने कलेक्टर परिसर में संयुक्त मोर्चा संघ ने अपनी महत्वपूर्ण 39 सूत्रीय मांगों को लेकर मोर्चा खोला और मांग पूरी नहीं होने की दशा में आगामी समय में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। कर्मियों की माने तो सभी विभागों में खासकर वेतन विसंगति की बात सामने आई, जिसे लेकर समान काम समान वेतन की तर्ज पर कर्मचारी अधिकारियों में नाराजगी देखी जा रही थी। ऐसे में शासन के सौतेले व्यवहार के विरोध में अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संघ ने एक दिवसीय धरना देकर सरकार को उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। अधिकारी कर्मचारी एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद। अधिकारी कर्मचारी एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आमीन। आवाज दो, आमीन। अरे शासन तू ये जान ले, बात हमारी मान ले। अरे शासन तू ये जान ले, बात हमारी मान ले। आज शांति आह्वान पे 56 संगठनों द्वारा संयुक्त मोर्चे का जो गठन किया गया है, उनके निर्देश पे जिला प्रदेश के 52 जिला के जिला मुख्यालय पर सभी 53 विभाग के कर्मचारी एकत्रित हुए हैं और उन्होंने अपनी 39 मांगों को समर्थन देकर आज एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर आंदोलन को सफल बना है। आज हमारे यहाँ जिले में समस्त कार्यालय पूरी तरह से बंद है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो मुख्यमंत्री ने हमारे 56 विभाग के प्रदेश अध्यक्षों को सामूहिक रूप से बुलाया है, उनकी बातचीत में निराकरण नहीं हुआ तो आगामी अनिश्चितकालीन हड़ताल का आंदोलन होगा। हमारी मुख्य मांगे 39 है, उसमें सभी केडर के लोग हैं, लेकिन एक लिपिकों को जो मांगे, जो 38 सालों से वेतन विसंगति चल रही है, कर्मचारी मंत्रालय के कर्मचारी और हमारे कर्मचारियों में एक नीति से एक नियम के अनुसार जो भर्ती हुई थी, लेकिन हमारे केडर अलग अलग कर दिए गए, ये हमारे लिए बहुत क्षति का विषय। सुधीर शर्मा, जिलाध्यक्ष, संयुक्त मोर्चा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।